में सबसे पहले सुनीत चोपड़ा साहब, 700 करोड़ कहां से आए थे? सवाल 700 करोड़ का नहीं है, सवाल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि हम बाहर से पैसा नहीं लेंगे जब लोग आपदा में मर रहे हैं, डूब रहे हैं। सवाल 700 करोड़ का ही है और शर्म आपको नहीं आती कि अपने देश की सरकार को आप नीचा दिखाते हैं? बता देता हूं कितना कलेक्ट हुआ है, 539 करोड़ रुपया आ चुका है हमारे चीफ मिनिस्टर्स फंड में। मुझे यह बता दीजिए 700 करोड़ रुपए कहां हैं जो आपके चीफ मिनिस्टर ने लिखा था कि यूएई ने हमें दिए हैं, मदद करने के लिए वादा किया है 700 करोड़ देंगे, वो 700 करोड़ कहां हैं? उन्होंने कहा है वादा किया है, लेकिन बीच में प्रधानमंत्री ने अड़ंगा किया है। आपको अंग्रेजी समझ में आती है? हाँ। सुनवाऊं दोबारा यूएई के राजदूत ने क्या कहा है अभी अभी? और 500 सुनवाऊं दोबारा आपको? 40 करोड़ लगभग हमने इकट्ठे कर ले। या आप यहां मजाक करने के लिए बैठे हुए हैं? मैंने सुना है, अंग्रेजी में आपसे बेहतर जानता हूं। हाँ, मुझे पता है बेहतर जानते हैं, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला के। बेहतर जानता हूं, उसने कहा है जितना चाहिए देंगे। सर मुझे ये बता दीजिए 700 करोड़ रुपए आपके सपने में आके कहा था उन्होंने? कहा था चिल्लाने के लिए 700 करोड़ आपके सपने में आके कहा था उन्होंने? मैं बताता हूँ कहाँ से। असल बात, उन्होंने बात की थी और उन्होंने बात की थी, उन्होंने ट्वीट किया था। और इसके साथ साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि 539 करोड़ हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। अभी आप कह रहे थे कि करोड़ की बात नहीं है, अब 539 करोड़ को चिपक गए हैं, 700 करोड़ आपके मुंह से निकल नहीं रहा। कमेटी है, किसकी कमेटी है, किसकी कमेटी है? चोपड़ा साहब बड़े आराम से पूछ रहा हूँ, वो 700 करोड़ रुपए किसने कमिट किए थे? पिनराई विजयन को 700 करोड़ किसने कमिट किए थे जो उन्होंने पोस्ट किया फेसबुक पर सीएमओ की तरफ से? हाँ, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कमिट किए थे, उन्होंने कहा था हम दे सकते हैं। तो अब उनके राजदूत झूठ बोल रहे हैं कि हमने नहीं कहा था कोई 700 करोड़ का आंकड़ा? हाँ, झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री ने उनको शर्मिंदा कर दिया है। जो आपके प्रधानमंत्री है वही मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। आप कोई चाइना में बैठ के बात नहीं कर रहे हैं दूसरे देश के प्रवक्ता की तरह मुझसे। इस देश के प्रधानमंत्री ने अगर कोई वादा या ना किया होगा नहीं लेने की बात है कि तो उस नीति पर आगे बात कर रहे हैं हम, लेकिन पहले मुझे ये बताइए 700 करोड़ कहां से आया? जब मेरा प्रधानमंत्री हिंदुस्तानियों की जान के बारे में कुछ नहीं करता तो मैं उसको आपका ही कहूंगा। ऐसा है चोपड़ा साहब, आराम से बोलिए, आपकी जान की फिक्र है हमें, आराम से बोलिए 700 करोड़ रुपए कहां से आए जो उन्होंने लिखे, मुझे केवल ये बता दें। आप भी आराम से बोलिए। मैं तो आराम से बोल रहा हूँ, आराम से बोलिए, मेरी आपकी उम्र में अंतर है, मैं चिल्लाऊंगा। मेरा ये कहना है कि आपके प्रधानमंत्री की जो बयान है उसने किया है। भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को सीपीएम अपना प्रधानमंत्री नहीं मानता, मैं मान लूं ये बात? मैं कहता हूं कि जो प्रधानमंत्री केरल की जनता की जान के बारे में केयर नहीं करता उसको पहले माफी मांगनी चाहिए, फिर मैं। भारत के प्रधानमंत्री को सीपीएम अपना प्रधानमंत्री नहीं मानता, हां या ना? सीपीएम देश का प्रधानमंत्री मानती है, अपना अलग चीज होती है, अपना वो होता है जो अपनी जान का ध्यान रखे। हाँ, तो फिर आपका आपका करना बंद कीजिए और मुझे ये बताइए 700 करोड़ कहां से आए थे? किसने कहा था विजयन साहब को कि मैं 700 करोड़ रुपए दूंगा आपको, और जिसके लिए आप कहने लगे कि देखो भारत तो 600 करोड़ दे रहा है, यूएई 700 करोड़ देके चला गया? मैंने आपको बता दिया, कितनी बार बताऊंगा, मैंने आपको बता दिया। और सिर्फ 700 करोड़ नहीं है, उससे ज्यादा है, 250 मिलियन डॉलर हर एमिरेट से एक एक रेजिडेंट एसोसिएशन भेज रही है। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है। बहरहाल उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मसला यह है कि बतौर सरकार
बतौर भारत 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सर मैं कह रहा हूँ 20,000 करोड़ का हुआ या 25,000 करोड़ का हुआ, मेरा सवाल इस सबसे थोड़ा सा इतर है। और चीफ मिनिस्टर ने 2,900 करोड़ मांगा। आप अभी तक ये नहीं बता पाए कि 700 करोड़ का वादा आप कहाँ से लेके आए। आप कह रहे हैं वहां के प्रधानमंत्री ने कहा, अभी अभी हमने राजदूत से बात की, उन्होंने मना कर दिया, हमने कोई 700 करोड़ का जिक्र नहीं किया। सुना नहीं है, यूएई के राजदूत ने मना कर दिया, कोई 700 करोड़ कमिट नहीं हुए। या उनके प्रधानमंत्री से बात हुई थी, तो जो प्रधानमंत्री से बात हुई वो राजदूत को नहीं मालूम है। हो सकता है सर, तीन ऑप्शन रोहित जी। एक, या तो पिनराई विजयन झूठ बोल रहे हैं संगीत रागी, या सुनील चोपड़ा साहब झूठ बोल रहे हैं इस समय उनको डिफेंड करने के लिए, या यूएई के राजदूत झूठ बोल रहे हैं कि साहब हमने कोई वादा किया ही नहीं। अब तय ये करना कि झूठ कौन बोल रहा। अब चोपड़ा साहब क्लैरिफिकेशन दीजिए, आप तो क्लैरिफिकेशन भी देने को तैयार नहीं है कि गलती हो गई हमसे, अड़े बैठे हैं आप तो। बिल्कुल सही है, नहीं मैंने क्लैरिफिकेशन दिया है। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। मैंने क्लैरिफिकेशन दिया है क्योंकि आपने झूठ कहा था। आपने झूठ बोला सर, और आप अब भी झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैंने आपको बताया है कि टेलीफोनिक कॉल थी, पूरी दुनिया देख रही है, टेलीफोनिक कॉल थी प्रधान। नहीं आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। समझ नहीं है कि झूठ कौन बोल सकता है। आपको तो सारी समझ है ना सर, आप साबित कर दीजिए कि आप झूठ बोल रहे। 700 करोड़ रुपए ला रहे थे, रोक लिए सरकार ने। ये लो आप जैसे बदतमीजों के साथ मैं बात। आप भाग जाएंगे, अब आप भाग जाएंगे, हम लोग कलेक्ट। अब आप उठ के भाग जाएंगे क्योंकि आप डिफेंड नहीं कर पा रहे अपनी सरकार को, तो आप उठ के भाग रहे हैं। दिक्कत यही है, जब सवाल यही है कि क्या केरल की सरकार ने झूठ बोला, तो उसके बाद जब आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपने झूठ बोला, तो आप उठकर भाग खड़े होते हैं। इसी से पता लगता है कि आपके पास डिफेंस नहीं है उस चीज का। क्या राजनीतिक साजिश अपने देश के खिलाफ करने की नौबत आ गई है? क्या परिस्थिति यह हो गई है कि हम अपने ही देश को नीचा दिखाने के लिए विदेश का सहारा लें?